नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं 7C न्यूज़। आज मैं ढांगू रोड पर आया हूं। यहां पे जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं रमेश कुमार टोला जी और उनके जो वॉलंटियर्स हैं आम आदमी पार्टी की, यहां पे रोड को लेकर उनका वो जो है प्रशासन के खिलाफ जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं। हम टोला जी से जानेंगे कि वो कौन से मुद्दे को लेकर जो है वो प्रशासन के खिलाफ जो है वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। टोला जी, आज आप अपने वॉलंटियर्स के साथ यहाँ खड़े हो ढांगू रोड पर, क्या मुद्दा है? नीरज जी, इस तरह हैगा भाई, मैं पहला भी थोड़ी देर पहला कहा भाई, भगत सिंह दे वारसो जागो, उन्होंने विरासत में सानू इस देश की आज़ादी ला के दी। महात्मा गांधी वर्गिया ने इस देश की आज़ादी लई किन्ने अंदोलन छेड़े, किन्ने काम ऐसे किए, अपना परिवार त्यागया, अपना सब कुछ निशावर करता इस देश के लिए। और अज ये जिहड़ा देश है वो करप्ट ते भ्रष्ट लीडरां दे चुंगल दे विच फस चुकिया, और जिहड़ियां रवायती पार्टियां उन्होंने साढ़े इस देश नूं बर्बाद करके रखता। उहदी जींदी जागदी मिसाल है आ जिहड़ी बजरी है मिक्सचर दे नाल पिछले चार दिन तो पाई जा रही है, ढांगू चौंक भगत सिंह चौंक तो लै के ते गांधी चौंक तक जिथे तक भी पैनी है। इस रोड दे उपर किन्नी लागत दे नाल सड़क बन रही है किते भी तुहानूं बोर्ड लग्गिया नज़र नहीं आएगा। और पठानकोट का कोई भी अधिकारी इत्थे काम करन चेक करने वास्ते नहीं आएगा। इहदे विच इन्ना क ज़्यादा सीमेंट पै रहा, नवी नवी कारपोरेशन बनी है जी, तो सीमेंट मेरे ख्याल इन्ना पै गया भी इत्थे क्यारियां बना के पानी लाना पेगा भाई, लेंटर फट ना जाए कि इन्नी भारी मात्रा में सीमेंट जिहड़ा पंजाब सरकार कैप्टन साहब की सरकार जिहड़ी आ पवा रही है। और विकास कामां दा मैं क्या नदियां बग रही विकास कामां दियां, 400 करोड़ रुपये का पठानकोट विकास हो रहा। और ये देखो बजरी मेरे ख्याल से अजे ताजी ताजी पई है, ये कल दी पई है, तो यहाँ यह हाल है। देखो तुसी ए वीर जी, कैमरा मार के दसो भाई की बनेगा साढ़े देश का। वो असीं तो परमात्मा को दुआ करने भाई, यहोजे नेता साढ़े देश नूं साढ़े शहर नूं दिते ने। वो बड़े भोले भाले लोग, चॉकलेटी जे बुआए चेहरे हैं, गल्लां करदे ना पठानकोट दा बड़ा ज़्यादा विकास हो रहा है, हो रहा है। पैसे कोई जेब चो नहीं खर्च कर रहे, पैसा जनता दा, साढ़े लोगों का पैसा जिहड़ा टैक्स द्वारा असी पैसा सरकारी खजाने च दिंदे आ, जिहड़ा बिजली दे 12 रुपए यूनिट असी खर्च कर रहे हैं वो पैसा सरकार दे खजाने च जा रहा। आम आदमी कोई भी वस्तु जिहड़ी आ करियाने दी मनियारी दी दुकान तो खरीदा, उहदे विच इनकलूडेड टैक्स हुंदा, MRP उहदे पर लिखिया हुंदा बकायदा। सो इह सारियां चीज़ां साडी जेब दे उपर डाका वज रहा, पैसा साडा जनता का पैसा उहदा मिसयूज हो रहा। और ये तरीका एक जरिया, एक जिहड़ा तरीका जिहड़ा असीं कहिंदे ना नेता करप्शन किस तरह करदे आ, चोरी कित्थे हुंदी है, इस तरह चोरी हुंदी है। जिहड़ा 400 करोड़ रुपया सैंक्शन होया वो अपने चहेते ठेकेदारां नूं पहलां काम देने आ, फिर उन्हां दे जरिए उहदे विचों जिहड़ा वो मोटे स्तर दे उपर अपनी हिस्सेदारी रख के वो काम कराने आ। टोला जी, अक्सर देखा जाता है कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है उसके खिलाफ जो अगर वो अपना काम भी करती है, विकास भी करवाती है, जैसा भी करवाती है, दूसरी पार्टी जो होती है वो अक्सर उनको उनके कामों को वो निग्लेक्ट करती है कि वो सही नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा राजनीति पार्टी में ही ऐसा क्यों होता है? नीरज जी, तुसी बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, बड़े पुराने पत्रकार हो, तुसी दसो ये काम ठीक हो रहा? तुसी आप जस्टिफाइड कर दो, चलो असी कोई आरोप नहीं लगाते, असी कहने बहुत वधिया काम हो रहा। किसी आदमी नूं, किसी मिस्त्री नूं पुछ के देख लो, किसी इंजीनियर नूं पुछ के देख लो, किसी तुसी शहर के आम आदमी नूं आवाज मार के पुछ के देख लो, इस तरह के काम होंदे आ, ये काम हो रहा। तुसी दसो इसके लिए फिर ढांगू रोड के उपर ये काम हो रहा नीरज जी, ठीक है ना? असी सानू पता भी कुछ नहीं आने वाला, जेडे कारपोरेशन के अधिकारी आ मिले हुए ने, सारा प्रशासन मिलया होया, राजनेता दे डर इन्ना कि इन्हों लोगों का भय है, इन्हों अपन बदलियां का डर है। और कोई भी अधिकारी तुहानू ये काम के उपर नज़र नहीं आएगा, पूरे पठानकोट के अंदर कितने भी नहीं नज़र आएगा। और ये काम है जी तुसी आरोप की गल कर रहे हो, बिल्कुल ये आरोप कोई नहीं है, ये सीमेंट ही बहुत ज़्यादा पाया जा रहा, आरोप कैसे लगाने महाराज जी? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ढांगू रोड पर यहाँ पे जो काम चल रहा है सड़क का, उसके बिल्कुल साइड में जो था वो टाइलें लगाई जा रही हैं, और जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है रमेश कुमार टोला अपनी टीम के साथ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइल्स लगनी थी वहाँ पे सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं ये सामने जो ऊपर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है और सीमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसी को लेकर जो है आज रमेश कुमार टोला अपने वॉलंटियर्स के साथ जो है वो प्रशासन के खिलाफ
और मौजूदा विधायक के खिलाफ जो है वो अपना रोष जो है व्यक्त कर रहे हैं। आपने इसकी शिकायत की है कहीं किसी प्रशासन को, या शिकायत करने का कोई जरिया मिला आपको कि आप किसी से शिकायत करके कि इसका हल निकल जाए? देखो कुत्ती चोरों नाल रल गई है ते प्रशासन केड़ा जी, केड़ा प्रशासन किनू शिकायत करनी है? तुहाडे मीडिया के जरिए हैगा भाई जिहड़ी जनता नूं जिहड़ा अधिकार मिलिया वोट पाउण दा उहदा सही इस्तेमाल करो मित्रो। इना खा जाना तुहानू, इह कुछ नहीं छड्डना इस मुल्क दा। इह लोग 5 साल लई सीजन नाल लाण आउंदे आ, मोटे जे पैसे लै के दिल्ली चल जांदे आ, उत्थों टिकट मैनेज करदे आ, फिर वह 4-5 साल दबा के लुटदे आ। और तुसी देख रहे हो शहर के जो कुछ हो रहा, ये ज़्यादा मैं की कहना आम जनता को पुछ के देख लो भी शहर के जो हालात ने इस टाइम। पठानकोट के लोग 80% जोड़े वो गंदा पानी पी रहे हैं, और ये सड़क बनाने तो पहला सीवरेज के काम के उपर कोई ध्यान नहीं दिता गया भाई, क्यों ना पहला उन्हें ठीक किया जाए, कितने पानी की पैप लीक है उन्होंने ठीक किया जाए, पर बड़ी जल्दी इनू खुरद बुरद किया जाए जोड़ा पैसा सरकार ने सेंक्शन किया, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। थोड़े टाइम के पता भाई हूँ अगे तो साडा मौका सानू मिलना नहीं, तो लोग जोड़े जागरूक हो चुके हैं, लोगों को साड़ी सच्चाई समझ आ गई है। सो जोड़ा पैसा जनता का साडा पैसा लोगों का पैसा टैक्स द्वारा इकट्ठा होंदा उहदा पैसे का गलत इस्तेमाल होंदा, और इहदे विच मतलब कि सारे जोड़ा ठेकेदार है वह भी साडा विधायक ही है, वो ठेकेदार तो एवं कोई ना का रख्या होना ना, असली ठेकेदार साडा विधायक ही है, लोकल विधायक। तो इस करके लोगों दसना अं अपना फर्ज समझते हैं, ठीक है असं विरोधी पक्ष च है, पर सामने जिथे कि गलत काम हो रहा जमीर इजाजत नहीं दिता भी असी चुप रहिए। अभी ऐसे ये काम चला हुआ है टोला जी, और अगर इसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करते, बढ़िया तरीके से नहीं बनाते, तो आपका अगला एक्शन क्या होगा? साडा कोई एक्शन नहीं होना जी, बेबस लोग ना बेचारे इस देश के कोई कहते सुनाई होंगी है, तुम दसो आप ही दस दौ, तुम जर्नलिस्ट है हो, कोई ऐसा का महकमा दस दौ भाई जिथे शिकायत की जा सकती है, क्योंकि जो विधायक साहब इनवाल्व ने, कैप्टन साहब ने खुद 40 विधायकों की सोनिया गांधी को जाके फाइल दिखाई है भाई, 40 विधायक जेड़े ने ये पिछले 4.5 साल तो चोरी कर रहे हैं, तो मैं इस करके नहीं बोलता भी जे मेरी बगावत करे कि मेरे खिलाफ बोलन गए तो मैं इन्हों जगजार कराँगा। सो ये सारे लोग जोड़े है जोड़ा अकाली भाजपा का 10 साल का राज रहा है, और 10 साल इन्होंने पता नहीं कांग्रेसियों ने कितना कट्टे है, और हूँ जो 4.5 साल इन्होंने लाया पूरे टका गए हर काम के, माइनिंग का काम, बसों का काम, शराब माफिया का काम, केबल का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, कोई काम ऐसा नहीं, सड़क गलियों का काम, हर काम के जोड़ा इन्हों की हिस्सेदारी है। ये तो थे आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता रमेश कुमार टोला जी, जिन्होंने ढांगू रोड पर बन रही सड़क का ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पे जो सड़क के साथ टाइलें लगाई जा रही हैं वहाँ पे सिर्फ नाम मात्र सीमेंट जो है वो डाला जा रहा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता है रमेश कुमार टोला जी अपनी वॉलंटियर्स के साथ यहाँ मौजूद है, यहाँ पे एक बलदेव राज जी भी, हम उनसे भी बात करेंगे, क्या मुद्दा है ये? मुद्दा कहता जी जो वेखो ये MLA साहब बने ही पठानकोट के, उस तो बाद साढ़े चेयरमैन बन गए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के, उन्होंने बाद साढ़े भाटिया जी अपने बन गए मेयर, तो लोगों के बड़ी एक ना खुशी की लहर ही भी ये इमानदारा का टोला है, तो इमानदारी के काम करे। मैं भी एक वीडियो बना के पाई ही भाई पठानकोट लोगों की खुशकिस्मती है भाई जरा एक इमानदारा का यह टोला आ गया, ये शहर के विकास वास्ते कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, पर होया सारा कुछ उसके उल्ट। देखो ना ये हुण जिहड़ियां बनाउंदे ने सड़क बनाउंदे पे ने जां गलियां नालियां जिहड़ियां बंदियां पईयां ने, जदों इहदे विच सीमेंट ही नहीं पैना। असीं भी बड़े पुराने कांग्रेसी रहे हां, सारे MLA मंत्री अपने हत्थी हंडाए ने, कुछ इत्थे मौजां माण रहे ने ते कुछ स्वर्गां विच चल गए ने। उदों कहिंदे हुंदे सी भई जे 1 लाख रुपया वार्ड दे विच आया ना ते जे 55,000 रुपया लग जावे तो लोगों को कम लभदा है, 45,000 भावें खा भी जाए लख के विचों तो लोगों को फिर भी कम लभदा भी कम होया। हूँ तो वेखो जी 15-85 की रेसो रह गई है, हूँ तो 85% इन्हां दीआं भाईवालियां विच वंडिया जांदा वा, तो 15% जो लगना तो रमेश टोला से एवें खप पाई जांदा, इहनूं पता प्रशासन ने इन्हां दी सुननी नहीं, सरकार क्यों उन्हां दी आ, प्रशासन उन्हां दा, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜੇ ਕਦੇ 1 ਬੋਰੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇੱਥੇ,
ये बेचारा बोली जाता ये बोलने का थोड़ा बहुत फर्क पै जाए मैं कहना तो बाकी पठानकोट का कोई भला होने वाला नहीं ये सरकार दे थोड़े चिर की गल है चार साढ़े चार महीने रह गए ने लोगों ने इन्हों प्यों प्यों के छित्र मारने ने अगे तो लीडर के गल के हार पे ना फुलों के हूँ लोगों ने छित्र हार पाने इन्हों के गलों के ये कहते ने सरकार जी सा फिर आई नहीं है अं इन्हों पुछना चाहते हैं भी सरकार आनी कि मूणा में ताकि की काम किया अज इना सीनियर कांग्रसी लीडर रोहित कोहली उन्हें एक बहुत वधिया कमेंट जरा पाया उन्हें यह लिखा भी वह जरा पठानकोट चेंज लियाओ तो वह लीडर चुनो जरा रंक तो राजा ना बन जाए गरीबों की सुने जो कांग्रेसी खप पाई जान डे ने इन विरुद्ध भाई इन्होंने लुट लिया सारा पंजाब लुट लिया पठानकोट लुट लिया माइनिंग हर चीज़ के हिस्सेदारी जो चलन डियां ने तो कांग्रसी तो आप ही इन्हों खप पाई जान डे ने तो हाड़े खप पाने की बनना है ये तो लोगों ने इन्हों दसना चार साढ़े चार साल इन्होंने बड़ा आनंद मानिया हूँ रह गया साढ़े चार महीने तो साढ़े चार महीने तो लोग वेखन डे ने कदों वोटा आन तो आम आदमी पार्टी वोटा पा के तो सरकार आम आदमी पार्टी की बनाईए ये फिर सुखने ले जाते हैं कहते नहीं दोबारा जरा इतने रिपीट होएगा पठानकोट के मैं इन्हों दसना चाहना सब तो ज़्यादा नीले कार्ड जोड़े है अश्विनी शर्मा जरा बीजेपी का हले प्रधान है तुम भी पता होएगा दो महीने पांच पांच मशीन उन्हें अपने घर ला लिया ही नीले कार्ड बनाने वास्ते तो गलिया नालिया बनाते ही क्यों बनाते ही वो माल आता ही तो लोगों ने उन्होंने नहीं बख्शिया तो इन्हों कि बख्शना गा ये तो मैं लगता भी बड़ी मुश्किल है टिकट की भी दावेदारी छड़ दें तो चंगे रहने टिकट नहीं मिलनी है चार साढ़े चार महीने है गए ने तो जो ये काम सड़कों का लाने परमात्मा हाजिर नाजिर करके लाया कर की ला जाना नाल यार जे तुहानू 40 किन्ना मिलिया टोला जी 4 करोड़ मैं ना 1 करोड़ रख लैन तुहानू 3 करोड़ रुपया दे देना अभी पठानकोट शहर स्वर्ग बना दें हर महल्ले गंदा पानी जरा बंद करा देंगे साफ पानी लोगों को देंगे सड़क योजना बना देंगे भी लोग टोया टिब्बा लभेगा नहीं 3 करोड़ देने 1 करोड़ ला जाना अपने घर तो जो लगना ही 50 लाख है यार 4 करोड़ तो पठानकोट का तो मेरा अज भी गर्क है तो कल भी करके होर अं तो वध नहीं कह सकते परमात्मा ही है कि इन्होंने उत्ते कृपा कर देवे ये तो प्रशासन और विधायक का काम है देखना कि जो काम है वो कैसे करवाया जाए मैं नीरज ठाकुर कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ 7C न्यूज़ पठानकोट